अब मस्जिद बैतुल रशीद चकलाला स्कीम 3 में 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जो फ्यूचर में एक्सटेंडेबल होगा 12 किलोवाट तक। इसके साथ हम ग्रीन मीटर भी लगा रहे हैं जी, ताकि जो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है वो वापडा को सेल की जा सके। जी, सोलर सिस्टम की प्लेट्स की इंस्टॉलेशन जारी है। ये 545 वॉट के बाइफेशियल पैनल्स हैं जी। बड़ा सिस्टम की ज़्यादा तोजो दे रहे हैं, छोटे पे तो कम कर दिया, पहले छोटे ही से शुरू किया था, अब बड़े पे ज़्यादा तोजो दे रहे हैं। हमारी 3 किलोवाट से लेके बेशक 100 किलोवाट तक हो हमारी ग्रिप है। मैं 1 KVA से लेके 30 KVA तक इस टाइम तक इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। पिछले 8-10 साल से ये काम कर रहा हूँ। जो हम सिस्टम लगा रहे हैं ये लॉन्गी की 545 वाट 10 प्लेटें हैं, यानी ये 5 किलोवाट है। अब फ्यूचर में ये 6 किलोवाट तक एक्सटेंडेबल है, यानी मज़ीद प्लेट्स लगा के 6 किलोवाट तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये 3 प्लेटें जो हैं ये जोड़ दी गई हैं, अब इसकी फाइनल सेटिंग के बाद इन्हें टाइट कर दिया जाएगा। ये जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया जा रहा है दोनों प्लेट्स के दरमियान। चीज़ों की जो परफेक्शन है वो उसकी प्लेट्स की जो एक्यूरेसी है उसको देखा जा रहा है, ताकि जो फासला है प्लेट्स के दरमियान वो बिल्कुल इक्वल हो। हमने छत पे स्टैंड के ज़रिए लगाई है, इसके 2 फ़ायदे। एक तो ये है कि जो आपका छत है वो गर्मियों में ठंडा हो जाएगा, और दूसरा इस प्लेट को साफ़ करना बहुत आसान हो जाएगा, इसकी मेंटेनेंस आसान हो जाएगी। बस ठीक है। फिर आप 10 किलोवाट सोलर का इंस्टॉलेशन जारी है। अब जब ये सिस्टम तैयार हो जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे ये कितना लोड ले सकता है, इस पर क्या क्या चीज़ें चलेंगी। मेरा नाम कारी अब्दुल हमीद है और मैं मस्जिद का मुतवल्ली और अमीर हूँ। 5 किलोवाट हमने छत पे हमने सेट कर दिया है, और इंशाल्लाह रनिंग पोजीशन में जाए, और इंशाल्लाह 2 दिन के बाद हम दूसरा 5 किलोवाट नीचे वाली छत में इंस्टॉल करेंगे। इंशाल्लाह तसल्ली बख्श और सफाई वाला काम हो रहा है इंशाल्लाह। हाय व्यूअर्स, आज हमारा जी मस्जिद में सोलर लगाने का डे 2 है। पहले दिन हमने 5 किलोवाट की सोलर की इंस्टॉलेशन इस छत पे की है, तो अब इंशाल्लाह ताला 5 किलोवाट हम यहाँ नीचे वाली छत पे कर रहे हैं। ये जो टोटल सिस्टम हम लगा रहे हैं ये 10 किलोवाट का भी सिस्टम लगा रहे हैं, लेकिन ये
जो एक्सटेंडेबल है ये 12 किलोवाट तक है, यानी फ्यूचर में आप इससे 12 किलोवाट बिजली ले सकते हैं। और इसके साथ ग्रीन मीटर भी ऐड कर दिया जाएगा ताकि जो वाफिर बिजली है वो वापडा को सेल करके बिजली के जो बिल में है खातिर खा कमी लाई जा सके। ये कारी हमीद साहब भी हमारे साथ इस काम में शामिल हैं, मस्जिद का काम है। दूसरी प्लेट यानी सेट टू हमारा 3 प्लेट्स का कंप्लीट हो गया और इसको इसके साथ फिक्स किया जा रहा है। अब ये 3 प्लेट्स जो है मज़ीद इसके साथ अलाइन किया जा रहा है प्रॉपर, ताकि बिल्कुल इसको जोड़ के लगाया जाए। अब अभी देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। हमारी 6 प्लेट्स जो है वो इंस्टॉल हो गई हैं और अभी 4 प्लेट्स को हमने मज़ीद इंस्टॉल करना है। हाँ जी, कैसा हो रहा है हमीद साहब काम? बहुत फिट है वन, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम हो रहा है माशाल्लाह। बारिश की वजह से थोड़ा सा काम हमारा डिले हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम ये है ये बस आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। अब ये जो प्लेट्स को आपस में जोड़ने का काम शुरू हो गया है। जो कनेक्टर है उसको अच्छी तरह टेप किया जाता है ताकि बारिश का पानी या नमी जो है वो कनेक्टर में दाखिल ना हो सके। हमारे इंजीनियर जाहिद साहब केबल्स को कनेक्ट कर रहे हैं। जी नुमान साहब काम कर रहे हैं ये प्लेट्स की जो मजबूती है उसके लिए कोई भी बोल्ट नट ढीला ना रहे। मस्जिद में जो पुराना सिस्टम लगा हुआ है ये अभी काम नहीं कर रहा, तो ये हम उतार के नए सिस्टम से इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये सारा जो पैनल है, ये तारों का जो जंजाल है, ये ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह यहाँ नया सिस्टम अभी थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। ये जी जो सामान इसमें लगना है वो सामने हमारे इसमें डीसी केबल्स हैं, ब्रेकर्स हैं और ये पीवी बॉक्स है, और इसके साथ ये 6-6 किलोवाट के फ्रोनिक्स के 2 सिस्टम्स यानी 12 किलोवाट टोटल ये कैपेसिटी बन रही है। अनबॉक्सिंग का काम जारी है और जब आप इसको बॉक्स खोलते हैं तो इसमें इसका वारंटी कार्ड और इसका जो यूज़र मैनुअल है, जो ब्रोशर है, वो भी आपको इसमें मिल जाता है। पहले सिस्टम का हाल आप देखें, अभी नया सिस्टम हम लगाने लगे हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। ये अब एक सिस्टम हमने हैंग कर दिया, दूसरा सिस्टम उसका लेवल हो रहा है और वो इंस्टॉल होना है। हमने लगा दिए सीमेंस और शनाइडर के। ये हमारे एसी ब्रेकर्स हैं, ये सोलर के डीसी ब्रेकर हैं और ये बैटरीज के 2 डीसी ब्रेकर्स हैं। इस पर आई थिम्बल लगाया जा रहा है ताकि केबल किसी तरह लूज ना रहे, कोई स्पार्किंग ना हो सके। इसी तरह तमाम तारों पे ये आई थिम्बल लगा के उसको यहाँ टाइट किया जाएगा। ये बैटरी के थिम्बल्स तैयार किए जा रहे हैं। जनाब HF2500 11 प्लेट्स ये ट्यूबलर बैटरीज हैं, ये 4 अदद बैटरीज हम लगा रहे हैं इस सिस्टम के साथ। ये HF2500 की बैटरीज हैं जी, 4 बैटरीज ट्यूबलर बैटरीज हैं और उसके साथ ही हमने 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है। सिस्टम की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये इसके वाईफाई डोंगल्स हैं और ये इसका सारा कंट्रोल पैनल है। तो नाज़रीन, हमारा जो 10 किलोवाट का सिस्टम है वो इंस्टॉल हो गया है। इसकी अभी जो प्लेट्स हमने लगाई हैं वो 10 किलोवाट है और ये सिस्टम जो है हमारा ये 12 किलोवाट तक चल जाएगा। तो कारी हमीद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत तसल्लीबख्श और बहुत खूबसूरत काम हो गया।
और हमें बड़ी खुशी है सफाई काम में सफाई और नफासत के साथ हुआ है और बहुत अच्छा तसली बख्श हुआ है और अभी हमारा फिर सिस्टम चालू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें बिजली के झंझट से जहाँ हमारी छूट गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके तमाम पंखे ऊपर नीचे फ्लोर हमने सारे UPS पे कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तमाम लाइटें, पानी की मोटर और जितनी भी आपकी अप्लाइंसिस हैं वो सारा हमने सिस्टम पर डाल के और इसको वापडा को कट करके भी हमने चेक कर लिया है। हमने तसल्ली कर लिया, सब से A1 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। काम आपको तसल्ली बख्श है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत मुतमिन हैं, बहुत खुश हैं माशाल्लाह आपके काम से, आपकी सर्विस से, आपकी टीम से और आपके काम से बहुत खुश हैं। चलिए जज़ाकअल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन हमारी जो टीम है उससे भी तारुफ़ करा देते हैं। नुमान साहब हैं जी, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया और ये हमारे भाई जावेद साहब हैं, नबील साहब और जाहिद साहब जो एक्सपर्ट हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के, जिस शौक़ से जिस लगन से इन्होंने ये काम किया हकदार तो ये बनते हैं जी। तो ठीक है, हमारे चैनल में आइंदा भी आप इनको देखेंगे और जो भी हमारी मज़ीद इंस्टॉलेशंस वगैरह यहाँ होंगी तो वो साथ साथ इस टीम के साथ हम मज़ीद लगाते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिए और इजाज़त दीजिए हम सबको। अल्लाह हाफिज़।